कितने देर में सूख जाएगा ये? अरे अभी 5 मिनट जी, अभी आपके सामने हम छुड़ा के दिखा देंगे। अगर गोली मिस हो जाएगी मगर ये खाल हड्डी तक ले जाएगा, बहुत सख्त होता है ये तो। बड़ा गर्म है, बहुत हार्ड होना, बहुत हार्ड गर्म। बाराबंकी की ये विधानसभा है, चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हैं और मेरे बगल में आप देख रहे हैं लॉ पर बतासे बनाने की क्रिया चल रही है। बड़ी दिलचस्प है, हमने देखा तो सोचा कि आपको दिखाते हैं आखिर बतासे कैसे बनते हैं और ये जो चुनावी बतासा भी बनाया जा रहा है उस पे भी हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बाराबंकी में क्या माहौल चल रहा है, किसकी हवा कितनी उनके पक्ष में है और कितनी उनके खिलाफ है, सपा बसपा भाजपा के बारे में क्या माहौल चल रहा है हम बात करके जानेंगे। लेकिन एक अहम बात यह है, देखिए ये युवा है और ये बताशे बनाने का काम कर रहे हैं, इन्हीं से बात करते हैं। भैया अपना नाम बता दो। वैभव गुप्ता। वैभव गुप्ता, क्या माहौल चल रहा है इस इलाके में? बीजेपी का ही चल रहा है, बराबर की टक्कर है सपा और बीजेपी की। सपा और बीजेपी की बराबर की टक्कर है। 2017 में क्या माहौल था यहाँ? बीजेपी का ही था। बीजेपी से ही विधायक थे यहाँ के? हाँ, बीजेपी से साकेत वर्मा। अच्छा, तो इस बार इस विधानसभा चुनाव में जो 2022 का है तो उसमें आप क्या देखते हो, बतौर युवा क्या मुद्दे हैं इधर? युवा मुद्दा तो बीजेपी का ही है, आपकी बीजेपी ही बनेगी है। अच्छा, ये बेरोजगारी का जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और मैं देख रहा हूँ कि आप स्वरोजगार कर रहे हो, तो इसको कैसे देखते हो, क्या संदेश देना चाहोगे? अब महंगाई तो है ही है, बात समझिए, कारण ये है कि पार्टी के द्वारा थोड़ी कुछ बढ़ाया जाता है, बढ़ाती तो आम जनता ही है। आम जनता महंगाई बढ़ाती है? बेशक। कैसे? जो सामान 1 रुपए का है वो महंगाई के कारण 2 रुपए का बिक रहा है, यही हमारा कहना है कि सरकार द्वारा कुछ नहीं बढ़ाया जा रहा। अच्छा, ये तमाम मार्केट पे कंट्रोल तो सरकार का ही होता है, कृत्रिम बाजार और तमाम सारी चीजें होती हैं कि चीजों को डंप कर दिया जाए। जब दाल का आपको याद होगा कि कई जगहों से दाल बरामद की गई थी, तो महंगाई में तो सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। बेशक करना चाहिए, किसानों किसानों को लेके आप कुछ कह रहे थे? नहीं, बताओ ना, किसानों को लेके आप कुछ कह रहे थे? अरे युवा हो यार, अपनी आवाज खुल के बताओ। कैसे कैसे युवाओं की आवाज हो रही है? तो किसान कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है। हाँ, हमें नहीं लगता कि महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से। ये हमारे पिताजी। आइए इनके पिताजी से बात करते हैं। कह रहे हैं कि महंगाई जनता बढ़ाती है, क्या इत्तफाक रखते हैं इन्हीं के पिताजी हैं? अपना परिचय बताइएगा। हमारा नाम है प्रदीप सर गुप्ता। इन्होंने कही कि जनता महंगाई बढ़ाती है, कितना इत्तफाक रखते हैं? सरकार कोई भी नहीं करावती है, ना बीजेपी ना समाजवादी, उनके जो कार्यकर्ता है हम तो हैं, वो खराब कर देते हैं। सरकार कोई नहीं खराब होती। कैसे? देखियो, सरकार ने बहुत कुछ किया और जनता के साथ बहुत कुछ किया बीजेपी ने, मगर हम तुम जो मिलकर उसको बदनाम करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये तो चुनावी बात हुई, आगे भी बात करेंगे, लेकिन आप ये बताशे बनाने का काम कब से कर रहे हो? और काफी दिन से हमारे चल रहा, हमारे बाबा भी चेक करते थे, हमारे पिताजी भी करते थे। अच्छा, हम भी करते। अच्छा, तो अभी भी आगे भी ये चलता रहेगा? हाँ, फिलहाल तो चलता रहेगा। अच्छा, इसमें कितना टाइम लग जाता है, किस तरीके से बनाते हो आप? इसमें काफी टाइम लगता है। कितना? फिर भी कैसे, ये थोड़ा हम जानना चाहते हैं कि कैसे बनता है ये? चीनी को गलाया जाता है, उसके बाद बनता है। चीनी को गलाएंगे और क्या कुछ होगा ना कि कुछ उसका कि किस तरीके से चीनी कैसी हो जाएगी तो फिर उसका बनना शुरू हो जाएगा? उसमें मसाला वसाला डालना पड़ता है, मसाला साफ करनी पड़ती है। अच्छा, तभी तो व्हाइट होते हैं। अच्छा, ये जो गर्म गर्म बन रहा है जी, हाँ, ये बता से ये फाइनल टच दिया जा रहा है, इसके बाद कितने देर में सूख जाएगा ये? अरे अभी 5 मिनट में। 5 मिनट जी, अभी आपके सामने हम छुड़ा के दिखा देंगे। दिखाइए। इसकी बहुत सख्त चाशनी होती है। अच्छा, अगर गोली मिस हो जाएगी मगर ये खाल हड्डी तक ले जाएगा, बहुत सख्त होता है। अच्छा, अगर बनाने वाला सही नहीं तो इसी में सब जाम जाएगा। ये दिखाइए जरा,
ये तो बड़ा गर्म है, बहुत हार्ड होना है, बहुत हार्ड गर्म है, ऐसे ही चुनावी माहौल भी गर्म है जी है? जी तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि बीजेपी की सरकार बने। अच्छा जी, बीजेपी की सरकार। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की बात तो सरकार कर रही है कि बड़ी बेहतर हो गई, तो आप मानते हो बेहतर हो गई है? सही बात, सरकार बहुत अच्छी है। अच्छा, ये छुट्टा आवारा पशुओं की समस्या यहाँ भी है? हाँ, थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत गांव में ज्यादा है। अच्छा, और यहाँ कम है क्योंकि कस्बा है। तो भाजपा के तो आप हमको लग रहे समर्थक हो, है ना जी? तो क्या संदेश देना चाहोगे योगी जी को, क्या ये छुट्टा आवारा पशु से आप परेशान हो या आपकी जान पहचान? अरे, उनसे हम विनती प्रार्थना करें अपने विधायक जी से कि उनको कल टोल करें छुट्टा आवारा पशुओं को, और इसी को लेके माहौल थोड़ा सा गड़बड़ा रहा होगा। और कोई बात नहीं, कोई परेशानी और बात नहीं है, और कोई परेशानी नहीं, और कोई परेशानी नहीं है जी। नहीं तो ये हमारे साथ बताशा निर्माण करता थे, काफी पुश्तैनी इनका काम है, लेकिन इन्हीं की दुकान पे एक सज्जन और है, कुछ कहना चाहते हैं आपसे, तो आपको सुनवाते हैं। अपना अपना नाम बताइए। जब से थे मकबूल, हमारा नाम है मकबूल। मकबूल, हाँ, घर बनाते हैं, घर बनाते हैं, घर बनाते हैं, और हमारा घर मछी मंडी में है। और जब से देश आजाद हुआ है, जो सरकार आ तक कही है, ऐसा कोई काम नहीं किया है, कभी कोई काम नहीं किया है। रेटिंग के 8,000 रुपये रेटिंग बातों के दिन है, शौचालय जो है, जो शौचालय दिया जा रहा है, शौचालय दिए हैं, क्योंकि कालू 2.5 लाख की कालू दिन है, और फ्री गल्ला महीने में दी बाग फ्री गल्ला, मतलब जो मुफ्त अनाज मिल रहा है। हाँ, अनाज जो अनाज मिल रहा है फ्री गल्ला दिन है, ऐसी शिकायत आज तक कहीं नहीं है। अच्छा, ये बताओ पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार हम कमल पर लगा लें, कमल पर लगा, हम सरकार देखे हैं। अच्छा, अपना माहौल देख के, सबका साथ सबका विकास से इत्तेफाक रखें, सबका देख के देखे हैं। अच्छा, सबका देख के देखे, लेकिन यही सरकार यही जो है यही रही है, नहीं रही है। बहुत दिलचस्प बात है, कहना है कि सरकार जो है वो काफी बेहतर है। बाराबंकी का इलाका था, वो देख रहे हैं बताशे बन रहे हैं, चुनावी बताशे भी बन रहे हैं, और किसको खाने को मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे ये भी देखना बड़ा अहम होगा। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2022 का है, तमाम सारे फैक्टर हैं। चुट्टा आवारा पशु आपको दिखा दें, ये देखिए अभी यहाँ से गुजर रहे हैं, इलाके के लोगों की ये समस्या है, और ग्रामीण इलाकों में ये नहीं ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे किसान काफ़ी परेशान है। हर विधानसभा में लगभग कमोबेश ये समस्या देखने को मिल रही है, इस पर सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन आगामी चुनाव में क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले विधानसभा में, नमस्कार। हमारी ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।